ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, माई सेल्फ सी ए हेमंत करुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया, डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़। प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम लोग सारणियन पर बात करेंगे, टेबुलेशन पर बात करेंगे। सबसे पहले इसके फॉर्मेट की बात करते हैं कि एक टेबल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसी भी टेबल पर आपको सबसे पहले टाइटल देना होता है, उसको बॉक्स हेड देना होता है, स्टब्स देने होते हैं, उसकी मेन बॉडी पर डेटा लिखना होता है और फिर अंत में उसका सोर्स नोट लिखना होता है। टेबल का कुछ उदाहरण इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले टेबल टाइटल आपको देना होता है। टेबल टाइटल के बाद जो भी आप कॉलम्स बनाएंगे उन्हें हम लोग कैप्शन बोलते हैं। इन कॉलम्स के जो भी हेडिंग्स आप देंगे कैप्शन नोट कहलाएंगे, और प्रत्येक पंक्ति रो को जब आप कोई नाम देंगे तो वो स्टब कहलाएगा। ये इसीलिए आप स्टब दे देंगे, और ये जो पार्ट होगा ये उसका बॉडी कहलाएगा। आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं टेबुलेशन के। तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि किसी विश्वविद्यालय में अध्यापकों के एक वर्ग द्वारा घर से प्रस्थान करने का समय और संस्था में बिताए गए घंटों की संख्या निम्न सारांश रूप में उपलब्ध है। सारांश आपको दिया गया है, एक अध्यापक प्रातः 5:30 बजे से पहले घर छोड़ता है और विश्वविद्यालय में 4 घंटे रहता है। ऐसे 23 अध्यापकों में से जो अपने घर से प्रातः 6 और 7 बजे के बीच चलते हैं, 7 अध्यापक संख्या संस्था में 3 घंटे, 11 अध्यापक 4 घंटे, 2 अध्यापक 5 घंटे एवं 3 अध्यापक 6 घंटे रहते हैं। ऐसे 16 अध्यापकों में से जो प्रातः 7 बजे और 8 बजे के बीच मध्य घर छोड़ते हैं, 4 अध्यापक 3 घंटे, 6 अध्यापक 4 घंटे, 1 अध्यापक 5 घंटे और 5 अध्यापक 6 घंटे संस्था में व्यतीत करते हैं। उन 82 अध्यापकों में से जो प्रातः 8 और 10 के बीच घर से निकलते हैं, 6 अध्यापक 3 घंटे, 9 अध्यापक 4 घंटे, 21 अध्यापक 46 घंटे और 5 अध्यापक 6 घंटे संस्था में व्यतीत करते हैं। प्रातः 10 और 11 बजे के मध्य घर छोड़ने वाले 21 अध्यापकों में से 2 अध्यापक 3 घंटे, 8 अध्यापक 4 घंटे, 7 अध्यापक 5 घंटे और 4 अध्यापक 6 घंटे संस्था में व्यतीत करते हैं। उपयुक्त सारणी को सारणी के रूप में प्रस्तुत करना है। इसका अगर हम इंग्लिश वर्जन देखते हैं, द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द टाइम लिविंग होम एंड द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ टीचर्स इन अ यूनिवर्सिटी। वन टीचर लीव्स बिफोर 5:30 AM and spend 4 hours in the institution. Of the 23 teachers who leave their home between 6 and 7 AM, 7 teachers spend 3 hours, 11 teachers spend 4 hours, 2 teachers spend 5 hours, 3 teachers spend 6 hours. Of the 16 teachers who leave their homes between 7 AM and 8 AM, 4 teachers spend 3 hours, 6 teachers spend 4 hours, 1 teacher spend 5 hours and 5 teachers spend 6 hours. Of the 82 teachers who leave their home between 8 and 10 AM, 6 teachers spend 3 hours, 9 teachers spend 4 hours, 21 teachers spend 5 hours and 46 teachers spend 6 hours. Of the 21 teachers who leave their home between 10 AM and 11 AM, 2 teachers spend 3 hours, 8 teachers spend 4 hours, 7 teachers spend 5 hours, 4 teachers spend 6 hours. Present the summary in suitable table or form. अब इस प्रश्न में जो सूचनाएं दी गई हैं कि अध्यापकों के घर छोड़ने का समय और संस्था में बिताए गए समय को आपको टेबुलर फॉर्म में कुछ इस तरीके से अरेंज करना होगा। घर छोड़ने का समय प्रातः 5:30 बजे, 6 से 7 बजे जो प्रश्न पर दिया गया है, 7 से 8, 8 से 10 और 10 से 11 के बीच, और कैप्शन कॉलम में आप डाल देंगे संस्था में बिताए गए समय 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और 6 घंटे। अब आपको फ्रीक्वेंसी टेबल जैसे इसमें संख्याएं लिख रही हैं। एक अध्यापक प्रातः 5:30 बजे से पहले घर छोड़ता है और संस्था में 4 घंटे रहता है, 5:30 से पहले और वो संस्था में 4 घंटे रह रहा है, उसका एक यहाँ नोट हो जाएगा। इसके बाद ऐसे 23 अध्यापकों में से
जो अपने घर प्रातः 6 से 7 के बीच छोड़ते हैं, 7 अध्यापक 3 घंटे, तो हम लोग यहाँ 7 नोट कर देते हैं, 11 अध्यापक 4 घंटे, 4 घंटे के लिए यहाँ पर हम 11 नोट कर देते हैं, 2 अध्यापक 5 घंटे और 3 अध्यापक 6 घंटे रहते हैं। इसकी अपन टोटल लगा लेते हैं, 7, 11, 18, 2, 20 और 3, 23। 23 अध्यापक के बारे में कहा गया था। अब अगली संख्या है, ऐसे 16 अध्यापकों में से जो सुबह 7 से 8 के बीच मध्य घर छोड़ते हैं, 7 से 8 वाली लाइन, 4 अध्यापक 3 घंटे, 6 अध्यापक, 6 अध्यापक 4 घंटे, 1 अध्यापक 5 घंटे और 5 अध्यापक 6 घंटे संस्था में व्यतीत करते हैं। एक बार इसकी टोटल कर लेते हैं, 4, 5, 4 और 6, 10, 11 और 5, 15। इन्फॉर्मेशन, उन 82 अध्यापकों में से जो प्रातः 8 और 10 बजे के बीच घर निकलते हैं, तो 8 से 10 वाले 82 टीचर्स हैं, 6 अध्यापक 3 घंटे, 9 अध्यापक 4 घंटे, 21 अध्यापक, 81 अध्यापक माफ़ कीजिएगा, प्रश्न में हमें इंग्लिश वर्जन में इसमें जाना होगा, 82 अध्यापक, 6 अध्यापक 3 घंटे, 9 अध्यापक 4 घंटे, 21 अध्यापक 5 घंटे और 46 अध्यापक 6 घंटे। इसके आप टोटल लगा लें, 46 और 21, 77, 9, 76 और 6, 82 टीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। हमारे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से डेटा गलत था। अब अगली इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, प्रातः 10 और 11 के मध्य घर छोड़ने वाले 21 अध्यापकों में से 2 अध्यापक 3 घंटे, 8 अध्यापक 4 घंटे, 7 अध्यापक 5 घंटे और 4 अध्यापक 6 घंटे संस्था में व्यतीत करते हैं। एक बार हम इसकी टोटल करके देख लेते हैं, 2, 8, 7 और 4, 21। हम लोग क्रॉस टैली करने के पर्पज से कॉलम वाइज टोटल लगा के देख लेते हैं कि संख्या कितनी होती है, 7, 4, 11, 11 और 6, 17 और 2, 19, 1 अध्यापक, 1, 11, 6, 9, 8। तो इस 4 घंटे व्यतीत करने वाले व्यक्तियों की संख्या हुई 35, 2, 1, 21 और 7। इस ऐसे व्यक्ति हैं जो 5 घंटे व्यतीत करते हैं, 3, 5, 4। 58 ऐसे व्यक्ति हैं जो संस्था में 6 घंटे व्यतीत करते हैं और कुल संख्या चेक कर लेते हैं एक बार, 143। हॉरिजॉन्टली भी करें और वर्टिकली भी करें, इस तरह से ये भी देखें और इस तरफ से टोटल करके भी देखें, दोनों संख्याएं एक जैसी होने पर संख्यात्मक दृष्टि से ये हमारा उत्तर करेक्ट हुआ। थैंक यू।